सिंधु सुता विष्णु प्रिया श्री हरि के बाण। सिंधु सुता विष्णु प्रिया श्री हरि के बाण। हे महालक्ष्मी आपको बारंबार प्रणाम हमारा, बारंबार प्रणाम। चार भुजाएं आपकी कमल पे रही विराज, चार भुजाएं आपकी कमल पे रही विराज। गलमुक्तन की माल है सर सोने का ताज तिहारे, सर सोने का ताज। भक्तों को माँ बाट रही देखो धन और धान, भक्तों को माँ बाट रही देखो धन और धान। वैभव करे प्रदान माँ रखती भक्त किसान है मैया, रखती भक्त की शान। शेष किशैया सज रही श्री विष्णु के संग, शेष किशैया सज रही श्री विष्णु के संग। उल्लुक वाहन आपका रहता आपके संग ओ मैया, रहता आपके संग। लाल रंग परिधान है तिलक लगा है भाल, लाल रंग परिधान है तिलक लगा है भाल। कानन कुंडल है सजे नैना बड़े विशाल मैया के, नैना बड़े विशाल। लाखों सूर्य का तेज है मैया आपका रूप, लाखों सूर्य का तेज है मैया आपका रूप। दर्शन आपका दिव्य है आपका रूप अनूप है मैया, आपका रूप अनूप। चार गजानन मात के चले हमेशा साथ, चार गजानन मात के चले हमेशा साथ। अंग संग रहते अश्व भी माँ तुम्हारे दिन रात ओ मैया, माँ तुम्हारे दिन रात। धन
और वैभव बांटती भक्तों को दिन रात, धन और वैभव बांटती भक्तों को दिन रात। माँ तुम्हारे आह्वान से आता दिल को चैन, ओ मैया आता दिल को चैन। धन लक्ष्मी गज लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी नाम, धन लक्ष्मी गज लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी नाम। तुमरे अनेकों नाम है, तुमरे अनेकों धाम है मैया, तुमरे अनेकों धाम। मैया आपके तेज से जगमग हो संसार, मैया आपके तेज से जगमग हो संसार। ब्रह्म विष्णु महेश भी करते नमन सौ बार, माँ तुमको करते नमन सौ बार। बल बुद्धि धन धान दे करती माँ कल्याण, बल बुद्धि धन धान दे करती माँ कल्याण। दीर्घायु यश मान दे मैया तुम्हें प्रणाम हमारा, मैया तुम्हें प्रणाम। पान सुपारी नारियल मेवा और मिष्ठान, पान सुपारी नारियल मेवा और मिष्ठान। कंचन थाल सजाए के करते हम गुण गान तिहारा, करते हम गुण गान। लक्ष्मी सम मैया नहीं भर देती भंडार, लक्ष्मी सम मैया नहीं देती भंडार। तुमरा भजन माँ जो करे पाता तुम्हरा प्यार, ओ मैया पाता तुम्हरा प्यार। भक्तों को देती सदा मैया शुभ और लाभ, भक्तों को देती सदा मैया शुभ और लाभ। दुख सब भक्तों के हरे, हरे सकल संताप, ओ मैया हरे सकल संताप। चंद
तन दर पे माँ खड़ा झोली को फैला, चंदन दर पे माँ खड़ा झोली को फैला, चरण धूल से आपकी माथे तिलक लगाए, ओ मैया माथे तिलक लगाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, मैया धियो यो नः प्रचोदयात्। महामंत श्री मात का भक्तों ये कहला, महामंत्र श्री मात का भक्तों ये कहला। महामंत्र के जाप से मैया होती सहाय रे भक्तों, मैया होती सहाय। दुर्गा शोक विनाशिनी काटे सकल कलेश, दुर्गा शोक विनाशिनी काटे सकल कलेश। चरणन में वंदन करे ब्रह्मा विष्णु महेश रे भक्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश। तू दुर्गा तू कालिका तू सिंह की असवार, तू दुर्गा तू कालिका सिंह की असवार। संतों को मातारती असुरों को दे मार भवानी, असुरों को दे मार। अष्टभुजी वरदायिनी भक्तों को वर दे, अष्टभुजी वरदायिनी भक्तों को वर दे। भवसागर से तार के टुकड़े सब हर ले है मैया, टुकड़े सब हर ले। जग जननी भुवनेश्वरी माँ जग की आधार, जग जननी भुवनेश्वरी जग के आधार। तुम्र कृपा से ओ माँ चलता ये संसार, ओ मैया चलता ये संसार। क्रोध मद नाश करे पाप का करे विनाश, काम
क्रोध मद नाश करे, पाप का करे विनाश। उन सब में आशा भरे जो है भक्त निराश, ओ भक्तों जो है भक्त निराश। मन से आवाहन करो आदिशक्ति जगदम्, मन से आवान करो आदिशक्ति जगदम्। भक्तों को माता आरती करती नहीं विलंब रे मैया, करती नहीं विलंब। मुकुट है स्वर्ण का, गल सोने का हार। माथे मुकुट है स्वर्ण का, गल सोने का हार। एक हाथ त्रिशूल है, एक हाथ तलवार मैया के, एक हाथ तलवार। भैरो लांगुर भी चले माँ के अंग और संग, भैरो लांगुर भी चले के अंग और संग। वहां विराजे माँ मेरी, जहां होए सत्संग रे बातो, जहां होए सत्संग। चौसठ योगिनी चंवर ढुरे पहरा दे हनुमान, चौसठ योगिनी चंवर ढुरे पहरा दे हनुमान। वर मुद्रा वर दात्री देती अभय वरदान, अभय वरदान। काल भी मैया से डरे, भय भी हो भय भी। काल भी मैया से डरे, भय भी हो भयभीत। जैसी जाकी भावना वैसी माँ परतीत है होती, वैसी माँ परतीत। अंधन को आंखें मिली, बांझन को संतान। अंधन को आंखें मिली, बांझन को संतान। कोढ़िन को काया मिले, दे मां अभय वरदान रे भक्तों, दे मां अभय वरदान। शुक्रवार प्रिय मानती, शुक्र जो मंदिर जा, शुक्र
शुक्रवार प्रिय मानते शुक्र जो मंदिर जाए दर्शन पाए मात का मुक्ति का फल पाए वो बता मुक्ति का फल पाए कंचन थार सजाए के आरती तुमरी का कंचन थार सजाए के आरती तुमरी गाए चरण धूल से आपकी चंदन तिलक लगाए ओ मैया चंदन तिलक लगाए हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं हम कथा सुनाते हैं हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं हम कथा सुनाते हैं चार बढ़ा करने लगे थे ऋषि मुनियों पर वो तो जुल्म बड़ा यज्ञ हवन और पुण्य कर्मों में विघ्न डालते रहते हुए बड़े परेशान ऋषि मुनि जुल्म को सहते सहते धर्म हो गया क्षीण पाप का बढ़ता भार ही जाए धर्म स्थापना करने को अब कोई तो आ जाए दशरथ के घर श्री राम ने लिया है फिर अवतार आ गए हैं वनवास करने को दुष्टों का संगा उसी समय की है ये कहानी सुनो सुनाते हैं कन्या जन्मी भक्तों फिर उनके घर सूर्य के जैसा तेज है मुख पर कांति चंद्रमा जैसी माता का अवतार स्वयं ही भक्तों वो कन्या थी अद्भुत कन्या पाई राजा बड़ा ही धन्य हुआ रत्ना सागर ने कन्या को वैष्णवी नाम दिया पुत्र समान ही अपनी प्रजा को सदा समझते हैं कुशलता पूर्वक राज धर्म का पालन करते हैं यज्ञ हवन भी समय समय पर वो करवाते हैं
कभी कभी जाते हैं राजा खेलने वन में शिकार। शौक शौक में कई पशु पक्षी दिए उन्होंने मार। वैष्णवी ने फिर अपने पिता को एक दिन ये कहा है, इन निर्दोष प्राणियों का वध न्याय कहाँ का है। राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करनी चाहिए, क्यों करते निर्दोषों का वध पिताजी हमें बताइए। वैष्णवी की ये बातें उनको ऐसी भली लगी, गए नहीं वो शिकार करने को फिर तो वन में कभी। किसी का वध ना करे कोई ये हुक्म सुनाते हैं। समझाया है वैष्णव धर्म तो जैसे भक्तों फिर लौटाया है। रत्ना सागर घर लिया माने पुत्री रूप में जन्म, जानती थी धरती पर आने का वो प्रयोजन। बोली मात पिता से मुझको आप रोकना नहीं, एकांत वास में करूं तपस्या वन में यही कहीं। माता बोली वैष्णवी से तुम बेटी बड़ी नादान, कैसे तपस्या करो अकेली है जंगल भी अबान। आदम खोर पशु वन में जो मांस ही खाते हैं। समझाया है श्री राम की भक्ति का मैंने प्रण ये उठाया है। श्री राम जिसके रक्षक बने भक्षक कौन वहाँ, करने तपस्या मुझको वन में जाना होगा। माँ तो आखिर माँ होती वो कैसे देती आज्ञा, पर वैष्णवी को तप करने वन में तो आना था। अपने पिता को वैष्णवी ने तो जैसे तैसे मनाया, राजा रत्ना सागर ने फिर पत्नी को समझाया। देनी पड़ी आज्ञा पर मन से तो ना चाहते हैं। साली मूरत उन्होंने अपने मन में करने लगी तपस्या, बैठ कर जपे राम ही राम। हरि चरणों में लगा के बैठी वैष्णवी अपना ध्यान। माँ सीता की खोज में राम
और लक्ष्मण जब आए, देखा एक कन्या बैठी है अपना ध्यान लगाए। कौन अलौकिक कन्या है श्री राम जानना चाहते, बैठी थी जहाँ तप में लीन वो उनके पास चले आते। बोले कौन हो कन्या हम ये जानना चाहते हैं, शीश झुकाया अपना परिचय फिर तो उन्होंने राम प्रभु को बताया। बोली प्रभु जी मैं तो आपके ध्यान में ही बैठी थी, दर्श दे दिया आपने जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। धन्य भाग हुए मेरे स्वयं जो आप यहाँ आए हैं, जन्म सफल हुआ मेरा आपके दर्शन पाए हैं। हुई तपस्या सफल तुम्हारी कहने लगे श्री राम, जो इच्छा हो मन में कन्या मांग लो तुम वरदान। मन चाहा वरदान तुम्हें हम देना चाहते हैं, आए। तुमने मुझे पहचान लिया तो फिर तुमको अपनाए। वैष्णव फिर से बैठ गई है अपना लगा कर ध्यान, मन में आस लगाए बैठी आएंगे श्री राम। किंतु परीक्षा में वैष्णवी तो सफल है नहीं हुई, श्री राम जब आए दोबारा ना पहचान सकी। साधु वेश बना करके जब अपना आते हैं, कहने साधु वेश में हमको कन्या ना पहचाना तुमने। इच्छा पूरी करने तुम्हारी फिर से हम आएंगे, कलयुग में जब अपना कल की रूप बनाएंगे। त्रिकूट पर्वत पर चली जाओ वहां निवास करो, भक्तों का उद्धार करो दुष्टों का नाश करो। पिंडी रूप में वहां पे स्थापित जब तुम हो जाओगी, वैष्णो देवी नाम से जग में तुम पूजी जाओगी।
इतना आशीर्वाद तुम्हें हम देना चाहते हैं। देश जो वही निभाया है पिंडी रूप में विद्यमान यह भक्त वैष्णवी है, वैष्णो देवी रूप में जिनकी पूजा होती है। पहली पिंडी सरस्वती माँ, दूजी महालक्ष्मी है और तीसरी पिंडी भक्तों महाकाली की है। लाखों ही श्रद्धालु रोज यहाँ दर्शन को आते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन जो पाते हैं। उसके बाद भैरव मंदिर श्रद्धालु जाते हैं। है जरूरी भैरोनाथ के दर्शन बिन यात्रा रह जाए अधूरी, क्योंकि स्वयं माता ने ही उनको वरदान दिया है। कैसे बना यह भैरो मंदिर इसकी भी एक कथा है। कटरा नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, माता वैष्णो देवी की वो भक्ति करता था। बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण और ना थी कोई संतान, सच्चे मन से करता पर वो माँ वैष्णो का ध्यान। एक दिन सपने में माँ के दर्शन हो जाते हैं। तुम श्रीधर दो लगवा वैष्णो भंडारे में सारे गांव को बुलवाना, निमंत्रण जो मिलता जाए उसको दे आना। उठ कर के सुबह श्रीधर ने पत्नी को बताया है, जो माता ने कहा था जैसा सपना आया है। पत्नी बोली श्रीधर से ये माँ की ही इच्छा होगी, पूरा करना माता ने आदेश दिया है जो भी। फिर तो निमंत्रण देने श्रीधर गाँव में आते हैं।
रस्ते में मिल जाते हैं। भैरवनाथ को भी श्रीधर ने यही बताया है, वैष्णो भंडारा बाबा मैंने कल लगवाया है। आप भी शिष्यों सहित हमारी कुटिया में आना, करके भोजन मेरी कुटिया की शोभा को बढ़ाना। भैरवनाथ ये बोले, श्रीधर तुम तो बड़े हो निर्धन, आपकी कुटिया में आएगा कहाँ से इतना भोजन। फिर सपने के बारे में श्रीधर बतलाते हैं, से चिंता यही सताए। इतना भोजन सबके लिए ना जाने कहां से आए, किंतु श्रीधर भक्त ने है माता का ध्यान लगाया। अब तू ही जाने है माता, सब है तेरी माया। सुबह जो उठ करके देखा तो अजब हुआ चमत्कार, कई तरह के पकवानों से भरा हुआ भंडार। भोजन करने लोग गांव के जितने भी आए, छोटी सी कुटिया श्रीधर की उतनी ही बढ़ती जाए। भैरवनाथ भी फिर शिष्यों को लेकर आते हैं, गांव तो सारा। एक अद्भुत सी कन्या सबको भोजन है करवाए, सोच रहे इस कन्या का पर भेद समझ ना पाए। भैरो बाबा के लिए भी जब भोजन लाई कन्या, बोले भैरवनाथ हमें ये भोजन ना करना। हम है अघोरी साधु, हमें ना वैसा भोजन चाहिए, जो भोजन करवाना कहीं से मदिरा मांस मंगवाइए। क्रोधित हो गई कन्या जो मदिरा मांस मंगाते हैं, कन्या का हाथ पकड़ना चाहा। जूं ही हाथ बढ़ाया कन्या हो गई अंतर ध्यान, भैरवनाथ ने देखा है फिर अपना लगा के ध्यान। त्रिकूट पर्वत पर गई वो भैरव ने देख लिया है,
अपनी तपस्या के बल पर कन्या का पीछा किया है। एक गुफा में बैठ गई मानो माह वहीं बिताए, पर इतने में भैरव बाबा भी पीछे पीछे आए। गुफा द्वार पर एक साधु उन्हें रोक न चाहते हैं। और चाह भी कर जाना माता को, पर जैसे ही उसका आभास हुआ अपने त्रिशूल से गुफा के पीछे रास्ता बना लिया। पिछले भाग से निकल गई माँ भैरों, जान नहीं पाया नहीं मिली वह माता, फिर वो पीछे पीछे आया। त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में बैठ गई माँ कर, पीछे पीछे भैरवनाथ भी पहुँच गया है वहीं पर। लांगुर वीर उसे पहरा देते हुए पाते हैं। जाने रोक दिया भीतर जाने से उनको लंगुरिया ने। भैरवनाथ ने अपना बल फिर तो आजमाया है। गुफा बीच बैठी थी माता, क्रोध बढ़ाया है। अष्टभुजी का रूप माता ने अपना बना लिया, क्रोधित होकर माता ने त्रिशूल है उठा लिया। वार किया वैसा त्रिशूल से शीश ही काट गिराया, भैरवनाथ फिर अपनी भूल पर बड़ा ही पछताया। कटे शीश से अपनी भूल की माफी चाहते हैं। जान न पाया, जितना भी किया है तप मैंने वो भी है सभी गवाया। ममता मई है माता, भैरवनाथ को क्षमा किया माता ने, वरदान भी भैरव बाबा को ये दिया। व्यर्थ ये तप तेरा है भैरव कभी न जाएगा, जो मेरे दर्शन करेगा दर तेरे भी आएगा। वरना यात्रा उन भक्तों की मानी जाए अधूरी, मेरे दर्शन के बाद में दर्शन तेरे होंगे जरूरी। तभी तो भैरों मंदिर में दर्शन किए जाते हैं।
भक्त के सपने में फिर से माता है आई। हुई मुरादें पूरी सारी उसकी मन चाही। चार पुत्रों का माता ने उसे दे दिया है वरदान। बोली पूजा करेंगे मेरी जो हो तेरी संतान। ना ही रहोगे निर्धन अब तुम बरसे की धन माया। श्रीधर भक्त ने मात के चरणों में है शीश झुकाया। श्रीधर वंशी तब से करता माँ वैष्णो की पूजा। पावन धाम वैष्णो मैया का वैसा न कोई दूजा। लाखों भक्त यहाँ आकर के दर्शन पाते हैं। मात सहाई की आधारा। आंचन पाती है संता।
समाई। संतान
धन लक्ष्मी को जो ध्याए बांझ वो नारी ना रह पाए। भक्तों में भर देती सागर से वो तर जाए।